हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। और भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना हिबिस्कस का फ्लावर, जो कि आज बहुत दिनों के बाद इस प्लांट में मेरे जो है ये फ्लावर जो है खिला हुआ है, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने फिटकरी का यूज़ किया था, तो उसी में आज ये पहला फ्लावर खिला हुआ है। तो आज का वीडियो मेरे होने वाला है मिर्ची गुड़हल के प्लांट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मिर्ची गुड़हल प्लांट के बारे में, जिसमें जो है गुड़हल की तरह ही फ्लावर्स आते हैं लेकिन वह पूरी तरह से खिलते नहीं हैं। इसीलिए इस प्लांट का नाम मिर्ची गुड़हल रखा गया है कि इसके जो फूल होते हैं वो बंद ही रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये मिर्ची गुड़हल का प्लांट जो है मैंने एक बड़े से प्लांटर में लगा रखा है, 20 इंच के प्लांटर में लगा हुआ है। काफ़ी हेल्दी प्लांट है। तो जो ये प्लांट है ये समर में काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो गया था, बिल्कुल सूखने सा लगा था यह। लेकिन जैसे ही मानसून के बाद से जो है इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ होने लगी और अब यह प्लांट जल्दी ही फ्लावरिंग भी करेगा, वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो आप मिर्ची गुड़हल के प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, काफ़ी सारी मात्रा में एक साथ इसमें फ्लावर्स निकलते हैं। अभी तो यह केवल अपनी ग्रोथ ही कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह प्लांट गर्मियों में बहुत ही बुरी कंडीशन में हो गया था, बिल्कुल मुझे लगा था कि यह चला ही जाएगा, लेकिन जो है यह अपनी ग्रोथ जो है पकड़ रहा है। नई नई जो इसमें लीफ हैं इसमें निकल रही हैं और फ्लावरिंग भी जल्दी होने वाली है इस प्लांट में। तो इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं आसानी से, और जो इसकी मिट्टी बनाएंगे वह वेल्डन ही बनाएंगे, और इसमें भी मिलीबग का अटैक जो है हो जाता है, तो इसमें भी आप प्रॉपर स्प्रे करते रहिए। और फुल सन में आप इस प्लांट को रखिए, क्योंकि यह फुल सन का ही प्लांट है और काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करता है और रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसी कलर के ऐसे ये रेड कलर का फ्लावर्स है गुड़हल का, इसी तरह से इसमें फ्लावर्स आते हैं लेकिन यह जो है पूरी तरह से खिलता नहीं है। तो मिर्ची गुड़हल के प्लांट को भी आपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो अभी भी बारिश का मौसम जो है रुका नहीं है, रुक रुक के जो है बारिश हो रही है कुछ कुछ दिनों में। तो आज भी मेरे यहाँ बारिश हुई है, हालांकि अभी बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो यही आपके साथ शेयर करना था कि मिर्ची गुड़हल के प्लांट को भी अपने आप गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे।